मेल बूब्स या गायनेकोमेस्टिया वो कंडीशन होती है जिसमें चेस्ट की स्किन के नीचे एबनॉर्मली फैट या ग्लैंड जमा हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन में पेशेंट को काफी स्ट्रेस रहता है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का कारण रहता है, कॉस्मेटिक कंसर्न रहता है। तो इस प्रोसीजर में किस तरह से इसका पूरा साइकिल रहता है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना रहता है, क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या आफ्टर केयर होती है, किस तरह से सर्जरी होती है, वो आपसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक और गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के पेशेंट से मिलाते हैं। जो पेशेंट का सर्जरी है लगभग 10 दिन पहले हुआ था और उनका जो रिजल्ट मिला है वो आप देख सकते हैं। सर्जरी होने के बाद में लगभग इसमें 3 दिन की गैप में ड्रेसिंग कराना होता है। तो अभी लगभग पेशेंट हमारे पास में 10वें दिन पर आए ड्रेसिंग कराने के लिए, तो हम आपको उनका रिजल्ट दिखाते हैं। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी जब हम करते हैं तो फर्स्ट टाइम जिस दिन सर्जरी होती है उस दिन हम ड्रेसिंग करते हैं, और उस दिन हम चेस्ट पर बहुत सारा कॉटन पैड यूज़ करते हैं। इसका मकसद हमें कंप्रेशन देना होता है चेस्ट पर, जिसकी वजह से पेशेंट को ज़्यादा पेन नहीं होता है, स्वेलिंग नहीं होती है, एंड पेशेंट का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आता है। लेकिन जब जैसे ही सेकेंड ड्रेसिंग होती है सर्जरी के 3 दिन बाद में, तो पेशेंट का जो है जो कॉटन पैड होता है उसको हटा देना होता है, और फिर जो निप्पल के पास में और ब्रेस्ट के नीचे जो हम होल करते हैं उस जगह पर ही ड्रेसिंग करवाना होता है। तो कई बार पेशेंट को दूसरी जगह अगर हॉस्पिटल में जाते हैं ड्रेसिंग कराने के लिए, तो वहाँ पर जाके उनको सिंपल सा बोलना होता है कि आप ड्रेसिंग चेंज कर दीजिए, तो वहाँ पर जो भी डॉक्टर अवेलेबल होते हैं या स्टाफ होते हैं वो ड्रेसिंग चेंज कर देते हैं, और फिर पूरी चेस्ट को कवर नहीं करना होता है, ओनली निप्पल और जो ब्रेस्ट के नीचे जो होल करते हैं वहाँ पे ही ड्रेसिंग कराना होता है। जो देख रहे हैं ये 10 दिन बाद का रिजल्ट है, और इसमें पेशेंट का चेस्ट कम्प्लीटली फ्लैट हो चुका है। आपको जो रिज़ल्ट है वो दिख रहा है 100%। अभी आपको इसमें स्टिचेस दिखाई दे रहे हैं, ये तब तक ही पता चलता है जब तक कि टाके नहीं कट जाते हैं, लेकिन जैसे ही स्टिचेस कटते हैं उसके बाद में कोई स्कार नहीं बनता है, और दोनों ब्रेस्ट के नीचे जो एक पॉइंट ब्लैक ब्लैक का आपको दोनों साइड में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी हमने एक एक स्टिच ही यूज़ किया है और इसका कोई स्कार नहीं बनता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सर्जरी के 10 दिन बाद का रिजल्ट है, जो कि पेशेंट के लिए बहुत सेटिस्फाइंग रिजल्ट। रिजल्ट कैसा है फोटो में देखो ठीक लग रहा था, अभी? कैसा लग रहा है अभी देख रहे हो आप? तो कितने परसेंट कह सकते हो रिजल्ट इसका? हाँ अच्छा, कोई समस्या तो नहीं हुई सर्जरी होने के बाद में? समस्या होगी हाँ, कुछ नहीं हुआ? कुछ कर रहे हो या अभी आराम कर रहे हो? आराम कर रहे हैं, ठीक है। सर्जरी के अगले दिन से ऐसा लग रहा था कि अपन डेली रूटीन वाला काम काज कर रहे हैं या बेड रेस्ट कर रहे हो? डेली रूटीन वाला। डेली रूटीन काम काज कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले क्या होता था प्रॉब्लम आपको? निप्पल अच्छा, नहीं दिखता था। अभी कितने दिन हो गए आपके टोटल? 10 दिन दस दिन हो गए। एक बार और आना आप ड्रेसिंग करने के लिए, नहीं तो अभी जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब तो देखेंगे। हाँ, मंडे को आना, तो अगर लगेगा तो हम स्टिचेस रिमूव कर देंगे, नहीं तो एक बार अगर लगा तो ड्रेसिंग कर देंगे।